20 फीट बाई 27 फीट हाउस प्लान स्टार्ट करते हैं। 540 स्क्वायर फीट इसका बिल्डअप एरिया है, ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। तो इसका बिल्डिंग कॉस्ट, आएगा दोस्तों 6.5 लाख। 6.5 लाख रुपया में आपको ये ग्राउंड फ्लोर रेडी हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए, जो प्लॉट बिल्डअप एरिया है इस तरफ 20 फीट चौड़ाई और लेंथ जो है 27 फीट इस तरफ बराबर को मिलेगा। तो पहले यहीं पे वॉल ड्रा कर लेंगे। तो यहीं पे 3 बेडरूम मिल जाएगा आपको, 3 BHK हाउस प्लान बनाया। तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो मैंने बताएंगे आपको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर 3 BHK नहीं करके 2 BHK करेंगे तो क्या चेंजेस करना है, सारी चीज़ बताएंगे। तो पहले पे वॉल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और यहीं पे किचन दिया है, इसको वास्ते सबसे जिधर जो रहना चाहिए ऐसा ही इसको ड्रॉ किया। तो यहीं पे आउटसाइड का जो वॉल है वो 9 इंच का वॉल होगा और इनसाइड का वॉल 5 इंच का पार्टीशन वॉल है। और किचन, ओपन किचन रखा है यहीं पे। तो यहीं पे आ जाएगा विंडो वगैरह। तो ये जो छोड़ के रखा है यहीं पे विंडो का पोजीशन है, उसको मैं येलो मार्क कर देता हूँ। यहीं पे डाइनिंग हॉल का विंडो यहीं पे लगाया, बेडरूम का विंडो है। तो बेडरूम का विंडो का W1 मार्क करेंगे। पे वेंटिलेशन है, अभी W1 है, W1, इसको W2, ये W1। तो W1 को जो साइज होगा 5 फीट बाई 4 फीट और W2 का होगा 3 फीट बाई 3 फीट और वेंटिलेशन का 14 इंच बाई 14 इंच का साइज यहीं पे प्रोवाइड करना है। तो यहीं पे जो मेन एंट्री है दोस्तों, मेन एंट्री ईस्ट साइड से है, इस तरफ से मेन एंट्री है। यहीं पे मेन डोर है, 4 फीट बाई 7 फीट का मेन डोर है, 4 फीट लेंथ है और हाइट जो है 7 फीट है। तो यहीं पे जो दिशा है ये ईस्ट दिशा इस तरफ है, इस तरफ वेस्ट है, नॉर्थ इस तरफ है और साउथ जो है इस तरफ रहेगा। तो यहीं पे कॉर्नर जो होगा, ये कॉर्नर देखिए नॉर्थ वेस्ट और ये कॉर्नर होगा नॉर्थ ईस्ट, इस पे साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में किचन प्रोवाइड किया, यहीं पे किचन है, यहीं पे ओपन रहेगा, आर्च टाइप का बनाना है। तो यहीं पे इसको डाइनिंग हॉल को इसको अटैच कर दिया। तो ये डाइनिंग एरिया है, यहीं पे डाइनिंग एरिया है और यहीं पे आपको लिविंग, यहीं पे लिविंग हॉल मिल जाएगा। और साउथ वेस्ट में यहीं पे मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया। और वेस्ट साइड में टॉयलेट,
लेटरिन कम बाथ, और नॉर्थ ईस्ट में एक बेडरूम है। और नॉर्थ वेस्ट में एक है, नॉर्थ ईस्ट में एक बेडरूम इसको प्रोवाइड किया, तो यहीं पे एक बेडरूम है, ये भी एक बेडरूम है। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहीं पे आपका किसी भी तरह आपको विंडो नज़र स्टेयरकेस नज़र नहीं आ रहा है ना, तो मैंने यहीं पे जानबूझ के स्टेयरकेस को नहीं दिया। अगर आपका स्टेयरकेस, अगर 2 BHK हाउस प्लान ज़रूरत है तो ये बेडरूम को और बेडरूम को रखिए, ये बेडरूम का पोजिशन में आप स्टेयरकेस को सेट कर दीजिए, और बेडरूम के साथ एक अटैच टॉयलेट भी कर सकते हैं। और अगर आपका बाहर में जगह है तो बाहर में आप इस तरफ से भी बाहर तरफ कर सकते हैं, इस तरफ से भी आप स्टेयरकेस बना सकते हैं। तो आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ यहीं पे। तो इसका जो मेज़रमेंट है देख लेते हैं, यहीं पे इधर से इतना दूर तक, ये वॉल का एंड से इतना दूर तक मिल जाएगा 9 feet 5 inch, और इस तरफ मिलेगा 8 feet 1 inch। और ये बेडरूम का साइज इस तरफ 9 feet और इस तरफ 10 feet। और यहीं पे जो टॉयलेट है, टॉयलेट का साइज 4 feet है और इस तरफ 6 feet 8 inch इस तरफ मिलेगा। और ये हॉल का, लिविंग हॉल का जो मेज़रमेंट है, ये वॉल से ये वॉल का अंदर तक मिल जाएगा 14 feet 1 inch, और इधर से चौड़ाई तो आपको मालूम है 6 feet 8 inch। और ये बेडरूम 9 feet इस तरफ, और इस तरफ भी 9 feet है, 9 feet by 9 feet। और ये बेडरूम 9 feet 2 inch इस तरफ है, और इस तरफ जो आएगा 9 feet आएगा, तो 9 feet by 9.2 feet का, 9 feet 2 inch का ये बेडरूम हो गया। तो बेडरूम का जो डोर है, हार्ड डोर 3 feet by 7 feet करके रखना है, और ये टॉयलेट का डोर 2 feet 6 inch by 7 feet रखना है। और इसका जो बिल्डिंग कॉस्ट है, इसको तो बता दिया, 540 square feet बिल्डअप एरिया है, तो उसके लिए आपको 6.5 lakhs का खर्च यहीं पे आ जाएगा। तो इसका जो कॉलम पोजीशन है देख लेते हैं, कॉलम कहाँ प्रोवाइड करना है। तो कॉलम के लिए मैं रेड डॉटेड मार्क कर रहा हूँ, इसके अंदर आपका 9 inch by 9 inch का कॉलम प्रोवाइड करना है। इस तरफ 3 हो गया, ये बेडरूम का 3 हो गया 6। उसके बाद इस तरफ आएगा, इसका सीधा इस तरफ आएगा, इसका सीधा इस तरफ आएगा, उसके बाद यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे, तो देखिए सीधा सीधा कॉलम यहीं पे आ जाएगा। तो इस पर आपका 12 नंबर कॉलम सही पे, 12 नंबर कॉलम का ज़रूरत है, नंबर ऑफ कॉलम 12 है, साइज आएगा 9 inch by 9 inch का साइज यहीं के प्रोवाइड करना है। अगर आउटसाइड का वॉल आपका 10 inch होगा तो आपको 10 inch by 10 inch का कॉलम यहीं पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसका आप G+1 के लिए फॉलो कीजिए, तो अच्छा सा आपको प्लान रेडी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।